कार्यक्रम, झांकियां, घोड़ों और ऊंटों का जुलूस और पुलिस के जवानों के स्टंट्स वाकई में एक समा बांध देते हैं। लिहाजा रंग रंगीले राजस्थान की संस्कृति में रचे बसे रंगों की खुशबू पर्यटकों को सात समंदर पार से खींच लाती है। तभी तो कहते हैं, घोरे धोरा री धरती रो, पिचरंग पाणा री धरती रो, पीतल पातल री धरती रो, मीरा कर्मा री धरती रो, कितरो कितरो रे करा में बखान, कणकण सुगूंजे, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। रंग रंगीलो सबसे प्यारो म्हारो राजस्थान जी, माथे बोर नाक में नथनी, नोसर हार गले में जी, झाला झुमरी टीडी भल को हाथा में हथफूल जी, टूसी बिंदी बोर सांकली कर्ण फूल काना में जी, कंदोरो बाजूबंद सोवे रुणझुण बांझे पायल जी, रंग रंगीलो सबसे प्यारो म्हारो राजस्थान जी। 30 मार्च यानी कि राजस्थान दिवस, आज राजधानी जयपुर में अलग अलग तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और वाकई राजस्थान का इतिहास अपने आप में ही एक गौरवशाली इतिहास है। आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। हर साल 30 मार्च को मनाते हैं राजस्थान दिवस, धूमधाम से मनाया जाता है राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस पर होती है रंगारंग प्रस्तुतियां, 22 रियासतों को मिलाकर बना था राजस्थान, 7 चरणों में बना राजस्थान। 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतों का विलय होकर मत्स्य संघ बना। 25 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा का विलय होकर राजस्थान संघ बना। 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत का विलय, नया नाम संयुक्त राजस्थान संघ रखा गया। 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर बृहत्तर राजस्थान संघ बना था। 15 अप्रैल 1949 को मत्स्य संघ का बृहत्तर राजस्थान संघ में विलय हो गया। 26 जनवरी 1950 को सिरोही रियासत को भी बृहत्तर राजस्थान संघ में मिलाया गया। 1 नवंबर 1956 को आबू देलवाड़ा तहसील का राजस्थान में विलय हुआ। तो आज राजस्थान की स्थापना को पूरे 69 साल हो चुके हैं और आज जगह जगह सांस्कृतिक आयोजनों की धूम मची हुई है। फिलहाल हमारे साथ लोक गीतकार जुड़े हैं बावले छोरे। आपसे एक सवाल है, राजस्थान का इतिहास काफी गौरवशाली और काफी गहरा इतिहास राजस्थान का हमेशा से रहा है, वहीं अगर हम बात राजस्थान के गीतों की करें तो यहाँ के संगीत को भी काफी पसंद किया जा सकता है, ये संगीत लोगों को काफी आकर्षित करता है, तो हम कुछ यहाँ के लोक गीतों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूर्वजों को माना जाता है, हमारी जो धरोहर है, हमारे जो वीरता है, उनका बखान हमारे गीतों में अभिसार है और इन्हीं गीतों को सुन सुन के लोगों को मतलब जो आता है, हमारे मतलब पूर्वज कहते थे तो हमें भी अपना कुछ बेटा है और जो हमारा संगीत है उसकी अगर हम तारीफ करना चाहें तो वो बहुत मतलब कर नहीं पाएंगे, ऐसे शब्द हमको मिल नहीं पाएंगे क्योंकि जो जिस तरह की कला है, जिस तरीके का गायन है, जिस तरीके के शब्द है, जिस तरह की हमारी भाषा है, वो इस तरह से कह लो कि एक तरह की देव भाषा है जो दिल को छूती है, लोगों के मन को छूती है, संगीत सुन के मन को एकदम शांति मिलती है, एकदम सुकून मिलता है जी। यहाँ के लोकगीत दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं, तो दो लाइन हम आपसे यहाँ के लोकगीतों की सुनना चाहेंगे। मैं सबसे पहले वही गीत गाना चाहूंगा जिस के लिए मैं गाना चाहता हूँ, हमारा अपना राजस्थान, जिस कारण हमने लोग जानते हैं राजस्थान को हमने दिखाया, तो वो गीत मैं आपके सामने गाना चाहूंगा।
जिन माटी लोकल चढ़ा दे वीरा को बलिदान है बाजरा ही राजस्थान है बाजरा ही राजस्थान है ऊंचा पगड़ी और धोती माँ लोगा को अभिमान है वो आपनो राजस्थान है वो मारो राजस्थान है जी। यहाँ के लोकगीतों में राजस्थान की परंपराएं और रीति रिवाज काफी आसानी से देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसी कोई दो लाइन आप हमारे सामने पेश कीजिए जिससे हम राजस्थान की संस्कृति को जान सकें। तो मैं आपको राजस्थान की संस्कृति जो है इसके बारे में कुछ चंद लाइनें इस तरह की है। घूमो राजस्थान ताने मिल जावे को ज्ञान के दो बार में बाला सागे लड़का था प्रताप अरे गाँव गाँव में बैठो का को दे मूठा प्रताप और घनी सुहानी लागे है केजरी की शाम जैसलमेर में माटी रटिला जयपुर में बसा आमेर किला उम्मीद भवन जोधपुर में मिला और है उदयपुर में भाई खूब जिला अरे जीमन को है अलग मिजाज कैर सांगरी साते सागर बारह कोस माते बदले लोगा का भाषा विचार भाई लोगा का भाषा विचार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन गानों की प्रस्तुतियों के लिए। और आज आपको बता दें 30 मार्च है यानी कि राजस्थान दिवस। राजस्थान की स्थापना के 69 गौरवशाली वर्ष पूर्ण हो चुके हैं।